हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स इन द लास्ट लेक्चर वी वर डिस्कसिंग अबाउट वी हैड डिस्कस अबाउट एपिथेलियल टिश्यू एंड टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू सिंपल एंड स्ट्रेटिफाइड ओके एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट नेक्स्ट टू एपिथेलियल टिशू टाइप क्यूबॉइडल एंड कॉलुमनर लाइक स्क्वेमस के अंदर फ्लैट सेल्स होते थे लाइक टाइल्स होती हैं फ्लोर्स के ऊपर ठीक है बट इन क्यूबॉयडल एज अ वर्ड डिनोट वर्ड ही बता रहा है क्यूब लाइक स्ट्रक्चर जस्ट लाइक अ क्यूब अगर हम क्यूब कंसिडर करें ठीक है एक क्यूब जैसा होता है इस तरीके के सेल्स अरेन्ज होते हैं ठीक है दैट्स वाई इट इज नोन एज क्यूबॉयडल एपीथीलियल सी द डाइग्राम क्यूबॉयडल सेल्स आर अरेज एंड दिस इन ब्लू कलर दिस इज द बेसमेंट मैमब्रेन क्यूब लाइक सेल्स आर प्रेजेंट सारे के सारे इक्वल हाइट में होंगे इक्वल विर्थ होगी तभी तो ये क्यूब बनेगा ओके नेक्स्ट वन इज प्रेजेंट इन किडनी ट्यूब्यूल्स जो किडनी की ट्यूब्स होती हैं उसके अंदर क्यूबॉइडल टिश्यू होता है सलाइवरी ग्लैंड जो हमारी बॉडी हमारे माउथ के अंदर सलाइवा सिक्रिएट होता है कि वॉटर ही जो वाटर सिक्रिएशन होता है वाटर लाइक मूध में पानी जो आ जाता है दैट इज नोन है सलाइवा ठीक है तो सलाइवा पर्टिकुलर सेल्स जो है उसमें हेल्प करते हैं और वो ग्रुप ऑफ सेल एक स्ट्रक्चर बनाता है अगेन आई एम रिपीटिंग ग्रुप ऑफ सेल्स एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको बोलते हैं ग्लैंड्स और वो ग्लैंड्स भी किसके बने होते हैं क्यूबॉइडल टिश्यू के नेक्स्ट वन इज स्वेट ग्लैंड्स स्वेट ग्लैंड भी एक स्ट्रक्चर्स हैं जो बहुत सारे सेल्स के बने हुए हैं क्यूबॉइडल सेल्स के बने हुए हैं जिससे स्वेट रिलीज होता है पसीना नेक्स्ट वन इज पैनक्रिएटिक डक्ट जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है बेटा लीफ लाइक स्ट्रक्चर दैट इज नियर द स्टमक ठीक है स्टमक के पास एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं पैनक्रियाज और पैनक्रियाज के अंदर एक ट्यूब होती है जिसको बोलते हैं पैनक्रिएटिक डक्ट और वो पैनक्रिएटिक डक्ट के अंदर भी देर इज प्रेजेंस ऑफ क्यूबॉइडल एपिथीलियर टिश्यू नेक्स्ट एग्जाम्पल इज टेस्टीज एंड ओवरीज टेस्टीज एंड ओवरीज जैसे हम कंसिडर करें बेटा फीमेल एंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स जो होते हैं उनके अंदर स्ट्रक्चर्स होते हैं टेस्टीज और ओवरीज जिनको हम बोलते हैं गोनर्ट्स ठीक है gonads, ये फीमेल और मेल गैमेट्स पर्म और एग रिलीज करते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए तो इन टेस्टीज और ओवरीज के अंदर भी जो सेल्स होते हैं दैट आर क्यूबॉइडर ओके नेक्स्ट वन फंक्शंस इनका ओवरऑल अगर फंक्शन देखा जाए सेल्स का एब्जॉर्ब एक्सक्रीशन सिक्रीशन जैसे ये सिक्रीशन हो गया सलाइवा सिक्रीट हो रहा है ठीक है दिस इज सिक्रीशन एक्सक्रीशन जैसे एक्सेस सॉल्ट निकल गए एक्सक्रीट आउट हो गया प्रोवाइड मकैनिकल सपोर्ट सो दिस इज ऑल अबाउट क्यूबॉइडल एपिथेलियल नेक्स्ट प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट एपिथीलियल दैट इज कॉलुमर जैसे वर्ड आता है आप समझो लंबे पिलर लाइक लाइक सेल्स इलांगेटेड सेल्स टॉल सेल्स ठीक है ओवल शेप दिस इज नॉट स्फेरिकल दिस इज ओवल शेप न्यूक्लियस एंड हियर द साइटोप्लाज नाउ इन सम डी कॉलमर सेल्स में बियर असल फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स ऐसे फ़िंगर लाइक स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं और इन फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं माइक्रोवेलाई 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 का फंक्शन क्या होता है हेल्प्स इन द एब्जॉर्बन किसी चीज को एब्जॉर्ब करने के लिए हमारी बॉडी में न्यूट्रियस को एब्जॉर्ब करने के लिए ओके नेक्स्ट वन इज इसका फंक्शन सिक्रीशन सिक्रीट secret करेगा कुछ ना कुछ आपका सब्सटेंस केमिकल या हॉर्मोन सिक्रीशन में ग्लैंडुलर टिश्यू बोला है ग्लैंड्स बनाने वाला जैसे हम यहाँ था स्वेट ग्लैंड होते हैं सलाइवरी ये भी कुछ सर्टेन सिक्रीशन करता है लाइक एंड सलाइवा का सिक्रीशन एंजाइम सिक्रीशन म्यूकस चिपचिपा सब्सटेंस स्वेट बाइल जूस बाइल जूस क्या होता है बेटा इट इज अ टाइप ऑफ फ्लूड इट इज अ टाइप ऑफ लिक्विड दैट इज जूस सीक्रेट liver. Liver, करता है जिसको बोलते हैं बाइल जूस एंड दिस बाइल जूस हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फैट्स जिसे हम बोलते हैं इमर्सिफिकेशन ऑफ फैट्स ओके सो दिस इज ऑल अबाउट कॉलोमर एपीथीलियल एंड क्यूबॉयल एपीथीलियल इन द ना नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस रिमेनिंग एपिथीलियल टिश्यूज ओके थैंक यू स्टूडेंट्स